नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में ग्रामीण युवक एवं फॉरेस्ट कर्मचारी के बीच हुई मारपीट। उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क वन परिक्षेत्र खेतौली के अंतर्गत ग्राम ददरोड़ी में ग्रामीण एवं फॉरेस्ट कर्मचारी के बीच मारपीट होने का मामला सामने आया है। वही फॉरेस्ट कर्मचारी शिवेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत मवेशियों को चराया जा रहा था, जिनको मना करने पर विवाद की स्थिति शुरू हो गई, जिन्हें फॉरेस्ट कार्यालय ले जाकर पूछताछ की गई एवं पूछताछ के बाद ग्रामीणों को उनके गांव पहुंचाया गया, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। वही घायल फॉरेस्ट कर्मचारी को जिला हॉस्पिटल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद शहडोल हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। वही पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि फॉरेस्ट कर्मचारियों के द्वारा हमारे साथ मारपीट की गई है, जिसकी रिपोर्ट हम लोगों ने संबंधित थाने में दर्ज कराई गई है। वही बांधवगढ़ नेशनल पार्क के उप संचालक सिद्धार्थ गुप्ता ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा हमारे कर्मचारियों पर मारपीट करते हुए शासकीय वाहनों की तोड़फोड़ की गई है, जहां फॉरेस्ट अधिनियम के तहत जांच के दौरान संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वही इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा सिंह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ददरोड़ी में दोनों पक्षों के द्वारा मारपीट करने की शिकायत मिली है, जहाँ दोनों मामलों काउंटर केस कायम करते हुए जांच कार्रवाई जारी है एवं साक्ष आने के बाद संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। पेश है उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। उनको मैं ढूंढने गया और ढूंढ के लाना तो नहीं, तो मैं नहीं जानू की यहाँ सिपाही कुको है, मैं पीछे से जाके मुझे कर रहा हूँ। जब पीछे पूछता जब फोन करने लगो तो मैं कहा मार तो डाली बहुत समझा लो, तब मेरे को कांधा पकड़ लाई थी, हाथ पकड़ लाई थी, अरे मेरे से बड़ी गलती हो गई और छोड़ती नहीं रहो हाथ, मवेशी थे वो लोग से आई जाती और पकड़ करके वही लग गई खत्म। जब खत्म भी लग गए तो हम पीपो बाबू इंजर साहब बिक्की साहेब बल्छा के कहीं कहीं बड़ा निया किया है, तुम लोग कुछ बच जाए इसके लड़का बच्चा मर जाएंगे तो तुम राजी हो जाओ, हम तुमको रुपया दिलाते हैं 20,000 और जो दवाई में खर्च लगेगा जो बात है। तो गश्त कर रहा था 4 दिन की, तो मवेशी चराते हुए दूर से देखा, चरते हुए देखा, पास जाके करीब से देखा तो बलबीर यादव अवैध रूप से प्रवेश करा के वह चराई करा रहा था, जिसको मना किया और समझाया तो गाली गलौज में उतर आया और बोल रहा था कि मैं तुमको देख लूँगा, और जाने लगा तो पत्थर से फिर अब हपट के गिरा, जिसको देख हमें उठाया तो थोड़ा सा स्क्रेच आ गया था सिर पे, खून निकल रहा था, जिसको हम अधिकारी संपर्क बताए और फिर प्राथमिक उपचार के लिए रेंज ऑफिस ले गया, और प्राथमिक उपचार करने के बाद उसको वापस करने घर उसको पहुंचा रहे थे, मनोतर से सब करवा के इलाज। हम घर पहुंचे तो उसके पूरे लड़के बच्चे बहू बेटी नाती नतु सब को मिल करके हमला कर दिए, पत्थर से लाठी से लात घूसों से गाड़ी फोड़ तोड़ किए, गाली गलौज किए और मुझे बेहोशी की हालत में मरते हुए हालत में छोड़ के चले गए। तो हमारे यहाँ सब कर दिए कि इनका रिपोर्ट ना लिखा जाए सर, हम कल से परेशान है सर, ना हमारा कल कोई सुनाई थी, लेडीजों को डाक्टर मैडम ने भगा दी और एक लड़का बीच में बोल दिया था कि ये मारे हैं, तो इसको बोला हम पटक पटक के तेरे को मारेंगे। ग्राम ददरौड़ी में कुछ गांव वालों ने जो है हमारे वन कर्मियों के ऊपर जानलेवा हमला किया है, इस संबंध में हम लोगों ने पुलिस में भी शिकायत करी और ग्रामवासियों के अगेंस्ट जो है FIR भी लॉन्च हो गई है और इसकी जांच भी हम लोग जो है अपनी तरफ से करवा। देखिए, किसी भी तरह की जो हिंसा है वो अपने आप में गलत है, इसका कारण कुछ भी रहा, लेकिन जो अगर ऐसी कोई घटना हुई है दोनों पक्षों के बीच हुई है या किसी भी तरह से हुई है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिम्मेदार जो लोग हैं उन पे कार्यवाही हो और जिन्होंने शांति भंग की है चाहे वो कोई भी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह का आपसी विवाद का संघर्ष का मामला ना बने, समाज में एक बुरा संदेश ना जाए, ऐसा हम सबका सोच है। हम लोग उनको पहुंचाने गए थे बलबीर यादव को उसके घर प्राथमिक उपचार के बाद, तो उसके जो लड़के नाती और बहुएं थी वो एकदम से हमला बोल दिए और इनको अचेत अवस्था में छोड़कर वहां से चले गए, फिर हम इनको गाड़ी में उठाकर और जिला चिकित्सालय उमरिया ले आए,
और डॉक्टर साहब ने रेफर कर दिया है वहाँ शेड्यूल की। कल रात को जिला चिकित्सालय उमरिया में एक लगभग 30 वर्ष के पुरुष को जो कि फॉरेस्ट विभाग का कर्मचारी है को उसके मारपीट की घटना के पश्चात उसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय उमरिया लाया गया है जिसका की उपचार जिला चिकित्सालय उमरिया में चल रहा है। मुझे तो चिंता इस बात की है कि आखिरकार इस तरह की वारदात क्यों हो पाती है। हमारे लिए सोचना पड़ेगा इस बात को। हम जानते हैं कि ये हमारा पार्क का इलाका है, ये हमारा कोर जोन है, ये हमारा बफर जोन है और बफर जोन के आसपास की बसाहटें। हम ये भी जानते हैं कि संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत हमारी चाहे वो वन सुरक्षा समिति हो चाहे ग्राम वन समितियां हो, ये समितियां ऑलरेडी वहां पे कार्यरत हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बुनियादी जरूरत है, अगर इतने वर्षों में ये काम नहीं हो पाया है तो एक बार कम से कम ये काम किया जाए कि उन वो इलाके जो पार्क के आसपास से लगे हुए हैं जहां बसाहटें हैं उन लोगों के साथ में एक संवाद स्थापित किया जाए, उनको विश्वास में लिया जाए कि पार्क के इलाके में वो इस तरह की वारदात ना करें, इस तरह की जो ह्यूमन एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं वो प्रतिबंधित है उनको ना किया जाए, उन्हें विश्वास में ले लिया जाए। और मेरा ऐसा विश्वास है कि समझाइश से ये चीजें ठीक हो सकती हैं और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कानून तो अपने दायरे में काम करता है। पर मुझे लगता है कि उसके पहले अभी इस बात की बहुत गुंजाइश है जहां पर हम लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको विश्वास में ले सकते हैं ताकि देखिए चाहे वो जंगल विभाग का आदमी हो और चाहे वो गांव का रहने वाला आदमी है, अगर किसी के साथ में भी कोई मारपीट हुई है तो ये अपने आप में बड़ा मतलब मुश्किल की बात है। इंसान तो है वो, चाहे वो कोई नौकरी कर रहा हो या गांव का रहने वाला हो। तो हम इन परिस्थितियों को कैसे टाल सकते हैं उस पर गंभीरता से चिंतन किया जाना चाहिए और वो जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें। उन लोगों को अगर हम विश्वास पे ले लें तो मेरा ऐसा विश्वास है कि वो लोग फिर पार्क की सीमा के अंतर्गत चराई के काम के लिए नहीं आएंगे। तो बाकी कानूनी दांव पेच और ये सब कानूनी लड़ाइयाँ लड़ना, कानून को अपने दायरे में काम करना, ये दूसरे स्टेज का काम है। प्रारंभिक स्टेज का काम है लोगों का विश्वास अर्जित करना, उनको समझाइश देना। टीवीसीएल कंपनी में जॉब करता हूँ। 1:30 बजे रात सैलन सिंह का फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने बताया कि आपके बच्चे की तबीयत गड़बड़ है, उमरिया हॉस्पिटल में एडमिट है, आप चले आइए। तो मुझे शंका हुआ, मैं तुरंत वहाँ चल भी दिया और फिर रास्ते में उनसे बात किया कि थोड़ा बात करा दीजिए बच्चे से। काफ़ी समय बाद फिर बच्चे से बात जब उन्होंने करवाया कुछ तसल्ली हुआ उन्हें। फिर आगे जब देखता हूँ तो बच्चे के सिर पे पट्टी बंधी है, हाथ पे वाटर चढ़ा हुआ है, पैर उठ नहीं रहा है। यादव और उसके बच्चे बहू नाती तमाम गांव वाले मिल गए, सब हम लग गए। और कारण जब हमने पूछा तो ये बताया कि वो आतंक अपराधी है, पहले भी कई बार उसके साथ फॉरेस्ट विभाग द्वारा FIR किया गया और मवेशी चला रहा था जो कि इनका रिजर्व फॉरेस्ट अंतर्गत। तो माना करने पर और इनके ऊपर हमला बुलवा दिया, उसका लड़का का षड्यंत्र पूर्वक जैसा भी इनका बच्चे का हाथ बहुत गंभीर है जिसको जिला चिकित्सालय उमरिया के डॉक्टर द्वारा शहडोल चिकित्सालय के लिए रेफर कर थाना कोतवाली के अंतर्गत ग्राम ददरौरी गांव से संबंधित एक वाद विवाद की बात आई है जिसमें थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 8 और अपराध क्रमांक 11 किया गया है। इसमें जो सामने निकल कर बात आ रही है उसमें दरबारी यादव जो है गांव का निवासी है, ये प्रतिबंधित क्षेत्र में मवेशी चरा रहा था जिसको जो फॉरेस्ट के बीट गार्ड द्वारा इसको मना किया गया। इस दौरान कुछ वाद विवाद हुई जिसके फलस्वरूप ये दरबारी यादव इसको चोट आना बताता है और फॉरेस्ट वाले इसको अपने क्योंकि जो फॉरेस्ट की चौकी है खेतौली वहाँ पे ले गए थे, इसका डॉक्टरी मुलाजा वगैरह कराया गया। बाद में फिर गांव पे जाने पर दोनों पक्षों में फिर से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। दोनों मामलों में काउंटर केस कायम कर लिया गया है और प्रकरण विवेचना में ले लिया गया है और आए तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई पुलिस की सुनिश्चित